हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाता है और कैसे मैंने बनाया जाता है, और स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको पूरा उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। एंड अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो या आप ओल्ड यूट्यूबर हो, अगर आपका चैनल फ्रीज हो जाए या डाउन हो जाए, तो आप लोग ऐसे चेंजिंग करके अपना चैनल को ग्रो कर सकते हो और अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हो एंड न्यू चैनल को जल्दी से बनाकर ग्रो भी कर सकते हो। तो चलो मैं आप सभी बताता हूं कि वो न्यू चैनल कैसे बनता है एंड जीमेल आईडी वगैरह पहले बनाना पड़ेगा, क्या क्या उसके बारे में बताता हूं। तो आप लोग देखो कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले जीमेल यहां पे ओपन कर लेना है जीमेल आईडी बनाने के लिए, और यहां पे साइन अप लिखेगा एंड ऐड अकाउंट का ऑप्शन आता है, तो यहां पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे, अगर न्यू फ़ोन होगा तो ऐसे करके चेक इन्फो करेगा, अपना चेक करेगा, उसके बाद से यहां पे साइन इन करने के लिए मांगेगा। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे हम लोग, जैसे ही जीमेल आईडी ऐसे बनाने के लिए आएगा, यूज योर गूगल अकाउंट दिस इन एडेड दिस डिवाइस इन अवेलेबल टू अदर गूगल एप्स, यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके फॉर माय पर्सनल यूज एंड बिजनेस यूज दोनों में पूछ रहा है, तो ऐसे ही मैं यूज कर रहा हूँ, बिजनेस टाइप में कर देता हूँ। आप उसमें ऊपर वाले में कर लेना चैनल बनाने के लिए, यहाँ पर नाम कुछ भी डाल देना है, ऐसे करके अपना नाम कुछ भी लिख देना, हो गया, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद से आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो आप लोग यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चुन लेना एंड ऐसे करके सेलेक्ट कर देना, और आप मेल फीमेल जो चुन लेना। उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो आपसे पूछेगा ऐसे करके, तो ऐसे करके लिख देना अपना, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा तो यूज मोबाइल पे भी कर लेना क्लिक करके, आपको OTP चला जाएगा। तो ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से हो गया, और नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे R पे, और यहाँ पे ऐसे करके लिख देगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड अपना जो मर्ज़ी वो लिख लेना, तो मैं लिख ले रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे जैसे ही पासवर्ड लग जाएगा उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नहीं हो रहा है तो यहाँ के कुछ एक हैशटैग वगैरह लगा देंगे, तो एक ऐसे करके हैशटैग लगा के डन कर देंगे। तो जैसे ही डन होगा उसके बाद से यहाँ पे यस आई एम न्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे जीमेल आईडी सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा एंड या एग्री पे क्लिक करेंगे ऊपर ले जाकर, तो यहाँ पे अपना जीमेल आईडी बन चुका है। एंड उसके बाद से अब हमको यूट्यूब चैनल बनाना है, तो यहाँ पे जीमेल आईडी ऐसे करके हो जाएगा, गूगल सर्विस ये मांग रहा है, अपना परमिशन वगैरह मांगता है एंड अपडेट फ़ोन होता है ना, न्यू फ़ोन होता है, तो यहाँ से ये फ़ोन अब जीमेल आईडी यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद से आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और या कोई भी वेबसाइट को ओपन करना है, फिर उसके बाद से मैं बताता हूँ उस पर कैसे करना है आपको। जीमेल आईडी बनता है और उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जीमेल आईडी बन गया, और उसके बाद से आपको बढ़िया तरीके से बनाना है अगर चैनल, तो यहाँ पे आज जीमेल आईडी बना रहे हो अपना, तो 2 दिन के बाद से चैनल को क्रिएट करना है। तो कैसे करना है वो आपको, चैनल क्रिएट वो आपको दिखाता हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो को फॉलो करो एंड जो जो बता रहा हूँ उसको आप अगर करोगे तो आपका चैनल अगर बनाओगे तो 100% ग्रो होगा। एंड उसके बाद से अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो मेरे को बोलना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो देखो ऐसे ऐसे करना है आपको, तो क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है YT स्टूडियो लॉगिंग, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ले जाएगा अपने उस लॉगिंग करने के लिए, तो इस पर क्लिक करके और सर्च कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका इंटरफेस आएगा यहाँ पे देखो लॉगिंग YouTube स्टूडियो पे क्लिक कर देना है, तो लॉगिंग YouTube स्टूडियो पे क्लिक कर देंगे तो अपना वो ब्राउजर फीचर में ले जाएगा और खुल जाएगा YT स्टूडियो। यहाँ पे क्रिएट चैनल का ऑप्शन दे रहा है, नाम सेलेक्ट कर लेना जो भी, और क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट चैनल पर क्लिक करोगे थोड़ा वेट लेगा और उसके बाद आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे लोगो पे क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ पे चैनल ओपन हो गया और यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए बोलेगा, तो कस्टमाइज पे भी क्लिक करके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से YT स्टूडियो लॉगिन करके और फिर मैं इसको कस्टमाइज करूंगा, इसका कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है जो कोई भी यूट्यूबर नहीं करता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टूडियो क्लिक करके वहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड में, और वेलकम कर रहा है यहाँ पे, तो न्यू यूट्यूबर हो गए तो वेलकम ही करेगा। तो यहाँ से सेटिंग वाले नीचे में देखो कॉर्नर में सेटिंग
सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे सेटिंग में भी क्लिक करके आपको जाना है। तो यहाँ पे नीचे देखो एकदम सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे चैनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिशनल में जाके अपना सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया है तो मेरा इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, आपका जो है वो सेलेक्ट कर लेना अपना यहाँ पे। तो जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद से मैं बता रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ढूंढना पड़ रहा है, तो ये रहा इंडिया, इंडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हो गया। उसके बाद से यहाँ पे कीवर्ड में अपना चैनल का नाम वगैरह लिख सकते हो जैसे सर्च हो, और उसके बाद अपलोड में यहाँ पे आके और यहाँ पे देख लेंगे कैटेगरी कौन सा है। तो आपको जो कैटेगरी सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो ऐसे सेलेक्ट हो गया, उसके बाद से यहाँ पे वीडियो का लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, किस लैंग्वेज में आपका वीडियो बनेगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। और किस मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन आप किस लैंग्वेज में से अपना लगाते हो वो सेलेक्ट कर लेना, दोनों यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना आपको जैसे मन करे वैसे। तो मेरे हिसाब से दोनों हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका बोल रहे हो, जैसे मैं अभी ये हिंदी बोल रहा हूँ तो इसको मैं वीडियो अपलोडिंग लैंग्वेज हिंदी रखूँगा, और जो वीडियो अपलोड करने का वो टाइटल डिस्क्रिप्शन होता है उसको मैं वो रखूँगा इंग्लिश रखूँगा। तो ये हो गया, यहाँ पे सेव हो जाएगा, फिर से सेटिंग वाले पे जाके और फिर से वही यहाँ पे चेक कर लेना अपलोड डिटेल सेटिंग वगैरह पे बहुत सारे हैं ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे देख लेना। और यहाँ पे अनस्टेट से इसको पब्लिक कर देना है, क्योंकि ये शॉर्ट्स वगैरह है तो शॉर्ट्स डायरेक्ट पब्लिक हो जाता है, तो ऐसे ये सेव हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, फिर से अपना यूट्यूब को ओपन करना है YT स्टूडियो पे, यूट्यूब पे, और यहाँ पे अपना चैनल को यहाँ पे लोगो वगैरह लगा लेना एकदम प्रोफेशनल तरीके से, जिससे आपका चैनल बढ़िया लगेगा। और इसमें आप लोग लिख लेना आई एम न्यू यूट्यूबर प्लीज हेल्प आई नीड सपोर्ट, ऐसे करके लिख लोगे तो ऐसे दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो इससे क्या होगा, आपके चैनल पे जो भी बंदा आएगा वो आपको सपोर्ट करेगा। और देखो यहाँ पे मेरा चैनल का नाम है एक और, उसको मैं बता रहा हूँ अभी, तो इसको देखो ऐसे लगा सकते हैं क्लिक करके फोटो वगैरह, तो हो जाएगा। इसके बाद से आपको सर्च कर लेना, ये मेरा चैनल का नाम है RK राजन है, जिसपे आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखो ऐसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना, मेरे से भी तगड़ा अपना DP वगैरह बना लेना, और उसके बाद से चैनल आपका बहुत जल्दी ग्रो हो जाने लगेगा जब आप बढ़िया से मेहनत करोगे। मेरा तो अभी डाउन चल रहा है लेकिन मेरा भी ग्रो हो जाएगा। देखो ऐसे करके आप अपना चैनल को क्रिएट कर सकते हो, से चैनल क्रिएट कर लेना, तो उसके बाद से आपके मर्जी से हिसाब से अपना वीडियो डालना। और वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको कमेंट करके बता देना, एंड आपको कुछ भी दिक्कत हो मेरे को बस सिर्फ कमेंट में आप बता देना, कोई भी वीडियो को कमेंट में बता देना कि सर या भाई इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाओ, मेरा हेल्प हो जाएगा, आप मेरा मदद कर दो, या आप शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, आप कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करो, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा, एंड आपका जितना हो सकेगा मेरे तरफ से उतना मैं आपको हेल्प करूंगा एंड सपोर्ट करूंगा। ये तो रहा सिर्फ चैनल बनाने से लेकर और चैनल को मैंने सेटिंग कैसे कैसे करते हैं, अगर आप इस चैनल को ऐसे सेटिंग वोटिंग कर लिए हो तो आपका चैनल 100% ग्रो होगा, लेकिन आपको ग्रो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसमें आपको कीवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसपे आपका उसमें बताऊंगा कि वीडियो अपलोड करके कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं एंड वीडियो अपलोड कैसे होता है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो यहाँ आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप लोग जितना भी मेरे को सपोर्ट किए उसके लिए धन्यवाद आप सभी को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।